मैदान पर कांग्रेस की हल्लाबोल रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की हल्लाबोल रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूध, आटा, गैस सिलेंडर, सरसों के तेल और पेट्रोल डीजल की कीमत कई गुना बढ़ गई है। इस दौरान आटा को लेकर उनकी जुबान ऐसी फिसली कि वो जमकर ट्रोल हो गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी आटे के कुछ साल पुराने दाम और आज के दाम की तुलना कर रहे थे। ठीक इसी दौरान उन्होंने किलो की बजाय लीटर बोल दिया। उन्होंने कहा कि पहले आटा 22 रुपए लीटर में था और आज 40 रुपए लीटर बिक रहा है। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर जमकर राहुल गांधी एक बार फिर से ट्रोल हो गए। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। इस वीडियो को कई यूजर्स ने शेयर किया, यहां तक कि कुछ भाजपा नेताओं से भी इस पोस्ट करते हुए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। असलियत में मामला ये था कि स्पीच के दौरान राहुल गांधी की जुबान फिसल गई, इसके चलते वह किलो की जगह लीटर बोल गए। बाद में इसका पूरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती सुधारी। हालांकि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक हिस्से को वायरल कर राहुल गांधी की चुटकी ली जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की। इस मौके पर कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेता रामलीला मैदान में पहुंचे थे। इस रैली में एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। अब आगे ये देखना होगा कि आखिर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली कौन सी नई दिशा और कौन सा नया मोड़ लेती है। तब तक ले आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।